सरनाकोट के लिए भी और अन्य अभी क्या लगता है सरनाकोट आ जाएगा अभी जीत के आएंगे तो? हाँ आएगा, आ जाएगा। अभी भी तो विशेष सत्र बुला के भेजे थे लेकिन सरनाकोट तो मिला नहीं, अभी नहीं मिला है लेकिन अभी इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठेंगे तो सरनाकोट जरूर मिलेगा। दोस्तों इस वक्त हूँ मैं गुमला के पार्क के पास, यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, इनसे जानकारी लेंगे। यहाँ पे 13 तारीख को चुनाव है ना, 13 तारीख को मत यहाँ पे कार्यकर्ता लोग हैं, बहुत एक्साइटेड रूप से प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे, जानते हैं इनका क्या किस टाइप से सरकार बनाना चाह रहे हैं लोग, मतलब सरकार तो है ही है हेमंत सरकार की और दोबारा सरकार आएगी कि किस टाइप से है इनसे ही जानेंगे। जी तो दोबारा सरकार बनाना है आप लोगों? जी हाँ, हम लोगों को दोबारा सरकार बनाना है। मेरा नाम सिकुंदा लकड़ा है, JMM की महिला अध्यक्ष हूँ। इस सरकार हेमंत सरकार ने हमारे लिए अब आवास, महिलाओं के लिए मैया योजना और बिजली 200 यूनिट फ्री दिया है, तो इस सरकार किसानों के लिए भी कर्ज माफ किया है, राशन भी हम लोगों को फ्री दे रहा है। इससे हम लोगों के लिए और इससे बढ़कर क्या चाहिए, इसलिए हम लोग चाहते हैं, हम महिलाएं चाहती हैं कि हम लोग दोबारा हेमंत सरकार को आगे बढ़ाएं। हमारी बहुत योगदान है, जहां भी जा रहे हैं हम लोग, गली गली जा रहे हैं, मोहल्ले जा रहे हैं, सभी जगह अच्छी सफलताएँ ही मिल रही हैं। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हमारी JMM ही आगे बढ़े और बढ़ती रहेगी। अच्छा, इससे पहले जो रघुवर दास सरकार थी वो अच्छा काम नहीं किया था? नहीं, रघुवर दास हमारे जंगल जमीन सबको लूटने का काम किया है, घेराबंदी कर दिया है, जगह जगह लूटने का काम किया है, इसलिए हम लोग उसको नहीं चाहते हैं, भाजपा सरकार को नहीं चाहते हैं। दोबारा JMM ही हो, हमारे आदिवासियों के लिए ये खरा उतरा है और खरा उतरेगा, हम यही चाहते हैं। अच्छा, अभी BJP की सरकार बहुत बड़ी बड़ी घोषणा की है यहाँ पे? घोषणा तो वो बहुत बड़ी बड़ी करती है लेकिन कुछ तरह से कुछ लेने का देने का नाटक करती है, ऊपर से टैक्स वगैरह ये सब लेके वो लूटने का काम कर रही है, इसलिए हम लोग उसको हरगिज नहीं चाहते हैं। कोई महिला ये नहीं चाह रही है कि भाजपा ही जीते, इसलिए हम लोग महंगाई भी बढ़ी है और GST बढ़ी है, हर तरह का हर चीज़ में वो बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी दिखती है, इसलिए हम चाहते हैं, हम महिलाएं चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही दोबारा आए। अच्छा, अभी दोबारा सरकार बनता है तो क्या नया करेंगे हेमंत सरकार? दोबारा नया करेंगे वो, क्या उम्मीद रखते हैं? बहुत उम्मीद करते हैं उससे और हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, महिलाएँ भी बहुत सपोर्ट करेंगे और सरनाकोट के लिए भी और अन्य। अभी क्या लगता है सरनाकोट आ जाएगा अभी जीत के आएंगे तो? हाँ आएगा, आ जाएगा। अभी भी तो विशेष सत्र बुला के भेजे थे लेकिन सरनाकोट तो मिला नहीं, अभी नहीं मिला है लेकिन अभी इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठेंगे तो सरनाकोट जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, उम्मीद है। हाँ उम्मीद है हमको, नंबर में सरनाकोट है। अच्छा, मेन जो घोषणा है सरनाकोट है? हाँ, फर्स्ट में हम लोग का जीतेंगे और हेमंत सोरेन सरनाकोट देंगे हम लोग के लिए। जी, और हम लोग गुमला से गुमला विधानसभा से हम महिलाएं गांव-गांव गली गली घूम रहे हैं, यहाँ गुमला से भूषण तिर्की, विधायक भूषण तिर्की प्रत्याशी हैं हम लोग। वर्तमान में कौन है विधायक यहाँ पे? वर्तमान में हमारे विधायक भूषण तिर्की हैं। हम महिलाएं चाहती हैं कि दोबारा हमारे भूषण तिर्की ही जीते इस क्षेत्र से, यही उम्मीद रखती हैं और जीतने का भी हम लोग वादा करते हैं। अच्छा, वादा कर दिए हैं आप लोग? हाँ, वादा कर दिए हैं, वही जीतेगा। हाँ, वही जीतेगा, वही जीतेगा जी। हाँ जी, हम लोग को विश्वास है। और BJP का कौन प्रत्याशी है? सुदर्शन भगत है ये, वो भी तो एक बार विधायक था लगता है ना, विधायक थे लेकिन ये अच्छा काम नहीं कर पाए हैं, ये लोगों से भी मिलने के बावजूद वो बातचीत और व्यवहार में खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये हमारे विधानसभा के भूषण तिर्की को ही हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, हम लोग को देरी हो रहा है, प्रचार करने जा रहे हैं। चलिए, जीत के देंगे हम लोग, बुलाएंगे, धन्यवाद आप लोगों को। जी, क्या खिलाएंगे जीत के आएंगे तो? बकरा खाएंगे? जीत के आएंगे तो आप लोग क्या खाने की उम्मीद करते हैं वही हम लोग खिलाएंगे।
जरूर आइएगा, जरूर आइएगा आप लोग, जरूर आइएगा। देख सकते हैं यहाँ पे काफी महिलाएं हैं जो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और चाचा क्या हालचाल? अभी चुनाव माहौल चल रहा है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? हेमंत सोरेन का भारी है। हेमंत सोरेन का भारी है, मतलब बढ़िया काम किया है। अभी तो देखिए लेडीज लोग का भी 1000 रुपया मिल रहा है। 1000 मिलना चालू हो गया? बीच में दिया था ना। अच्छा, 3 महीना लेकिन लास्ट बढ़ाया ना, शुरू नहीं बढ़ाया। अभी तो जीतने के बाद तो बढ़ने वाला है। अच्छा, बोल रहा है 2000 देंगे। 2000 देंगे बोला है, मतलब हेमंत सोरेन का पल्ला भारी है। कितना मुर्गा बेच लेते हैं दिन भर में? यहाँ पर 8-10 केजी बेच लेता है। 8-10 केजी? अच्छा।